ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है। वैसे तो ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र देश है, पर इसके ऊपरी तौर पर अभी भी डेनमार्क का ही अधिकार है। क्षेत्रफल के मामले में ग्रीनलैंड पूरी दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है, पर इसकी जनसंख्या किसी छोटे शहर से भी कम है। ग्रीनलैंड की जनसंख्या करीब 58,000 ही है। इसके लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में बर्फ ही है। ग्रीनलैंड का मतलब होता है इंसानों का देश। यह एक ऐसा देश है जो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, फिर भी इसको यूरोप का ही एक देश माना जाता है। ग्रीनलैंड एक ऐसा नाम है जिससे हमको लगेगा कि यह देश सिर्फ ग्रीनरी से भरपूर होगा, इसी वजह से इसका नाम ग्रीनलैंड है, पर ऐसा नहीं है। ग्रीनलैंड का लगभग 85% हिस्सा सिर्फ बर्फ से ही ढका हुआ है, फिर भी जगह जगह ग्लेशियर होने के कारण यह देश बहुत ही सुंदर दिखता है। दुनिया में ग्रीनलैंड एक इकलौता ऐसा देश है जहां पर किसी भी तरह की रेलवे सिस्टम मौजूद नहीं है, और यहां पर ज्यादा मात्रा में बर्फ मौजूद होने की वजह से गाड़ियां भी कम है, इसलिए यहां के लोग ज्यादातर बोट, हेलीकॉप्टर, प्लेन या डॉग स्लेट से ही अपनी यात्रा करते हैं। ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जहां गर्मियों के मौसम के दौरान सूरज नहीं डूबता है और आधी रात को भी आप सूर्य को देख सकते हो। सर्दियों के मौसम में ग्रीनलैंड का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत होता है। इस मौसम के दौरान अगर आप आसमान में देखते हो तो आपको आसमान में अलग अलग तरह की लाइट्स देखने को मिलेगी जो बेहद ही खूबसूरत लगती। पोलार बियर नामक ठंडे प्रदेश का भालू अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों की ज़्यादातर इनकम मछली बेचकर ही आती है। ग्रीनलैंड का औसतन तापमान -6 डिग्री होता है। यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में भी जहाँ सूरज लगातार 2 महीनों तक डूबता नहीं है, ऐसी स्थिति में भी टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री के आसपास ही रहता है। यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने की वजह से इतने बड़े विशाल क्षेत्र में सिर्फ 58,000 के आसपास ही लोग रहते हैं, और दूसरे देशों से लोग यहाँ पर रहने के लिए नहीं आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड के बर्फ के ग्लेशियर कमजोर हो रहे हैं। अगर ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाती है तो दुनिया में भारी मात्रा में तबाही मचेगी और समुद्र के स्तर में 7 मीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी, जो पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इस द्वीप पर रेनडियर, सफेद खरगोश, आर्कटिक लोमड़ी, पोलार बियर और एर्मिन जैसे जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 350 प्रकार के जंगली फूल पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर नूक है, जो ग्रीनलैंड की राजधानी भी है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और अगर आप प्रत्येक दिशा में पूरी यात्रा करने जाओगे तो प्रत्येक दिशा में 80 घंटे लगेंगे। ग्रीनलैंड में लगभग 225 तरह की मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है जो इतने ठंडे पानी में भी तैरती है। ग्रीनलैंड में अटलांटिक पफिन, किटवेक, स्क्रॉस जैसे ठंडे प्रदेश के पक्षी पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड में टंगस्टन, टाइटेनियम, यूरेनियम, निकेल और एल्यूमिनियम जैसे खनिज के बहुत सारे स्रोत मौजूद हैं। अगर आपको ग्रीनलैंड फैक्ट इन हिंदी वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।